हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इसके अंदर हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स, कि हमारी जो बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स आते हैं उन डिफेक्ट्स को हम किस तरह से रोक सकते हैं, उन डिफेक्ट्स पर हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है हमारी बिल्डिंग्स पे काफी तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे क्रैक्स आ गए, ठीक है, उसके अलावा क्या होता है जैसे लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफी तरह के हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं हमारी बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो डिफेक्ट्स हैं उनको, जो हमारे क्रैक रिपेयर मेथड्स होते हैं, जैसे जो क्रैक्स आ गए हमारी बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के एलिमेंट्स के अंदर जो भी क्रैक्स आ चुके हैं उन क्रैक्स को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, उन रिपेयर करने के मेथड्स के बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे टेक्निक्स की, या फिर बोल दीजिए मेथड के बारे में, हमने बात की थी प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में, कंसिडरेशन के बारे में कि किस तरह से कर सकते हैं, सरफेस प्रिपरेशन के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि जो क्रैक रिपेयर मेथड्स हैं, कि जो क्रैक है क्रैक को रिपेयर करने के मेथड्स हैं, हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं क्रैक को। तो जो आपको बताया था हमारे पास 4-5 प्रकार के मेथड्स होते हैं, सबसे पहले मेथड जो हमारा रहेगा, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्रैक रिपेयर मेथड्स, टॉपिक है हमारा क्रैक रिपेयर मेथड्स, ठीक है। जब हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने क्रैक रिपेयर मेथड्स के बारे में बात की, उसके अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स की बात की थी। हमने जो फर्स्ट मेथड था हमारा, फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा था, फर्स्ट था हमारा इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड, या फिर बोल सकते हैं इपॉक्सी प्रेशर इंजेक्शन मेथड। तो उस मेथड के बारे में हमने बात की थी कि होल्स के पास जो हमारे क्रैक्स आ जाते हैं उन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हम इपॉक्सी प्रेशर इंजेक्शन का यूज करते हैं उन क्रैक्स की रिपेयर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं, हमने पहले जो हमारा पहला हमारा कौन सा था, इपॉक्सी इंजेक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा था वो था इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड के बारे में, सेकंड मेथड हमारा रहेगा ग्रूविंग, या फिर हम बोल सकते हैं उसको रूटिंग या फिर ग्रूविंग एंड सीलिंग। तो हमारा सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हमारा रहेगा ग्रूविंग एंड सीलिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हैं जो क्या बोल सकते हैं, रूटिंग, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, रूटिंग, ठीक है, ग्रूविंग एंड सीलिंग, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, रूटिंग भी बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ग्रूविंग एंड सीलिंग किस तरह का मेथड है, किस तरह से हम जो हमारे क्रैक्स होते हैं उन क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या है कि दिस इन्वॉल्व इनलार्जिंग द क्रैक्स अलोंग एक्सपोज्ड फेस, यानी कि जो हमारे फेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ये एक आपके पास, हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, वॉल बोल सकते हैं या फिर बोल दीजिए एलिमेंट्स हैं, हमारे बिल्डिंग का एलिमेंट है, बिल्डिंग का कंपोनेंट्स है। इस कंपोनेंट के अंदर क्या है, ये हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे क्या है, जो इसका फेस है, फेस के ऊपर क्या है, क्रैक्स आ चुके हैं, मान लीजिए वो है, इस तरह से क्रैक आ चुके हैं हमारे इस फेस के ऊपर, ये फेस है पूरा, ठीक है, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग का कोई भी आप इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, एक कंपोनेंट है बिल्डिंग का, ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग का क्या रहेगा, कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट पे क्या है, क्रैक आ चुके हैं इसके फेस पे। इन क्रैक्स को रिमूव करने के लिए, इन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हम जिस मेथड का यूज कर लेते हैं वो मेथड हमारा कहलाता है ग्रूविंग एंड सीलिंग, या फिर बोल सकते हैं उसको रूटिंग मेथड। तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व इनलार्जिंग द क्रैक, कि जब हम जो हमारे क्रैक होते हैं इनलार्ज होने हैं, इनलार्जिंग द क्रैक अलोंग द Exposed face and sealing it with crack fillers or joints, यानी कि जो हम ये methods हैं, जो हमारे cracks आ गए, इन cracks की हम sealing करेंगे, किसके द्वारा sealing करेंगे, जो भी हमारे joint sealants हैं, जो हमारे पास क्या होंगे, joint sealant होंगे, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इन cracks
क्रैक्स को क्या करना चाहिए, फिल करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे ये क्रैक्स हैं, इन क्रैक्स को क्या करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे। किसकी सहायता से? जो ज्वाइंट सीलेंट्स होंगे, जो क्रैक ज्वाइंट सीलेंट होते हैं, उनकी सहायता से हम जो क्रैक्स पैदा हो चुके हैं हमारे एक्सपोज्ड फेस के ऊपर, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारा जो एलिमेंट है बिल्डिंग का, तो उन क्रैक्स को ज्वाइंट सीलेंट की सहायता से हम क्या करने की कोशिश करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे। सीलिंग इट विद क्रैक ज्वाइंट सीलेंट, जो हमारे क्रैक ज्वाइंट सीलेंट है उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इन क्रैक्स को फिल करने की, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनको जो हम कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एरिया है यानी कि जिस एरिया पे हमने सीलेंट का यूज करना है, जो सीलेंट है, जिस सीलेंट से हमने इस क्रैक को रिपेयर करना है, तो उस एरिया को क्या करेंगे, हम पूरी तरह से क्लीन करेंगे और उसको ड्राई करेंगे। क्लीन और ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रैक ज्वाइंट सीलेंट है उस ज्वाइंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, रिपेयर करने के लिए, क्रैक को रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके लिए नॉर्मली हम जो इपॉक्सी मटेरियल्स होते हैं हमारे, उन मटेरियल्स का, इपॉक्सी कंपाउंड्स का हम यूज कर लेते हैं सीलेंट मटेरियल के रूप में। ठीक है, सीलेंट मटेरियल के रूप में हम किसका यूज कर लेते हैं, जो हमारे इपॉक्सी कंपाउंड्स होते हैं। तो ग्रुपिंग एंड सीलिंग के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, ग्रुपिंग एंड सीलिंग। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो मटेरियल है, या फिर बोल दीजिए हमारा जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का, उसके अंदर कई बार क्या आते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, इन लार्ज क्रैक्स हो जाते हैं। इन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए, फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रैक ज्वाइंट सीलेंट्स होते हैं उनका यूज करते हैं, उनको क्या करते हैं, क्रैक्स में जहाँ पे ग्रूव है वहां पे क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। इसके अलावा और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको क्रैक्स को रिपेयर करने से पहले हम क्या करते हैं, उस एरिया को जहाँ पे हमने ज्वाइंट सीलेंट का यूज करना है, उस एरिया को पूरी तरह से क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम इपॉक्सी कंपाउंड्स जो होते हैं, उन क्वाइंट से बना हुआ जो हमारा सीलेंट होता है, उस सीलेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उस सीलेंट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सीलेंट का जब हम यूज कर देते हैं, तो ये जो हमारा मटेरियल है, जो इस तरह से हमारा जो क्रैक है इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, ये जो क्रैक आपको इस तरह से दिख रहा है, जब हम इसको मटेरियल को कर देंगे, ठीक है, रिपेयर, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारा एक मटेरियल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम उसकी रिपेयर कर देंगे, यानी कि यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ग्रुप की फॉर्म में हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसीलिए इसको ग्रुपिंग एंड सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग यानी कि सील करना, जो ज्वाइंट है वहां पे सीलेंट का यूज करना, सीलेंट के यूज से क्रैक को रिपेयर करना। और इस तरह से ग्रुप की शेप में हम क्या करते हैं, जो क्रैक्स ऊपर आ रहा है, हमारे क्रैक्स हैं फेस पे, उस क्रैक को रिमूव कर देते हैं, सीलेंट का यूज कर लेते हैं, उसकी ग्रुपिंग की फॉर्म में उसको कर देते हैं। इस केस को ग्रुपिंग एंड सीलेंट बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं रूटिंग। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुपिंग, रूटिंग, या फिर बोल सकते हैं सीलिंग। अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड टेक्निक के बारे में, थर्ड मेथड के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड के बारे में। थर्ड मेथड हमारा कौन सा है, थर्ड होगा फ्लेक्सिबल, ठीक है, थर्ड को बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट, फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड के बारे में, थर्ड मेथड हमारा कौन सा रहेगा, थर्ड मेथड है हमारा फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट, फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट। तो इसके अंदर क्या है, जब हम फ्लेक्सिबल सीलिंग की बात करेंगे, तो इसके अंदर जब हम बात करेंगे हमारे बिल्डिंग एलिमेंट्स के बारे में, मान लीजिए ये हमारा कोई बिल्डिंग का एलिमेंट्स है, ठीक है, इस एलिमेंट्स के अंदर ये हमारा क्या है, बिल्डिंग का कोई एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एक साइज के रूप में इस तरह से क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, इस तरह से क्या होता है, क्रैक्स हो जाता है, जो कि क्या जाता है, इंक्रीज होता जाता है, क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता है, टाइम पीरियड होता है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, किसका एलिमेंट है ये हमारा, यहाँ पे इसको इस तरह से कवर किया हुआ है मान लीजिए, ठीक है,
ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। यहां से भी इसको मान लीजिए, ठीक। तो अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, एक्टिव क्रैक्स कैन बी रूटेड एंड फिल्ड। जो हमें हमारे एक्टिव क्रैक्स है, जो एक्टिव क्रैक्स यानी कि अभी भी जो मौजूद है एक्टिव क्रैक्स है, एक्टिव क्रैक्स कैन बी रूटेड एंड फिल्ड विद ए सूटेबल सीलेंट, यानी कि एक मोल्डेड फ्लेक्सिबल हमारा सीलेंट होगा। ये हमारा मोल्डेड सीलेंट होगा जहां पे हम क्या करेंगे, उस क्रैक्स को जो हमारे एक्टिव क्रैक्स हैं उनको रूटेड करेंगे और उनको फिल करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे कौन से हैं एक्टिव क्रैक्स होंगे। यही होगा कि एक्टिव क्रैक्स कैन बी रूटेड, एक्टिव क्रैक्स कैन बी रूटेड कि जो भी हमारे एक्टिव क्रैक्स हैं उनको क्या होगा, रूटेड करेंगे एंड फिल, और उनको क्या करेंगे, फिल यानी कि उनको फिल करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे एक्टिव क्रैक्स हैं, फिल विद ए सूटेबल मोल्डेड फ्लेक्सिबल सीलेंट। जो हमारा मोल्डेड फ्लेक्सिबल सीलेंट है, उस फ्लेक्सिबल सीलेंट की वजह से, सीलेंट की सहायता से हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्टिव क्रैक्स हैं उन क्रैक्स को हम रोटेड और फिल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल सीलेंट, विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल सीलेंट। इसके अलावा इसके अंदर एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो हमारा ये क्रैक्स है, जो हमारे क्रैक्स है, इन क्रैक्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर की वजह से हम एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस क्रैक को हम क्या कर सके, आपस में जोड़ के रख सके, आपस में कनेक्ट कर सके, ये कि ये क्रैक हमारी पूरी जो स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स है, उसको किसी तरह से नुकसान ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वो फिल कर देंगे, फिल करने की वजह से कोशिश करेंगे कि एक बॉन्ड बना के रखे, ठीक है, जो हमारे क्रैक्स है वो आपस में क्या रहे, जुड़ा रहे, मटीरियल का दोनों पार्ट अलग अलग ना हो, बल्कि इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। किसकी सहायता से, जो हमारे फ्लेक्सिबल सीलेंट हैं, जो हमारे मोल्डेड फ्लेक्सिबल सीलेंट्स होंगे, उन सीलेंट की सहायता से इस क्रैक को, जैसे ये हमने ऊपर से जोड़ के रखा हुआ है, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इनका बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रहेगा हमारा कौन सा, फ्लेक्सिबल सीलिंग या फिर सीलेंट। ये आपको डायग्राम दिखाया है कि किस तरह से हमारे एक्टिव क्रैक्स होंगे, इनको रूटेड और फिल्ड करेंगे और एक बॉन्ड तैयार करेंगे, ताकि वो इन क्रैक्स को क्या कर सके, आपस में जोड़ के रखने की कोशिश कर सके। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट आगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ हमारा कौन सा पॉइंट है, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूमिंग, ठीक है, ग्रूमिंग, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूमिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा फोर्थ पॉइंट, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूमिंग, रेनफोर्समेंट एंड ग्रूमिंग, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा है, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग, यानी कि जो हमारे क्रैक्स हैं वहां पे क्या करना, रेनफोर्स को ऐड करना, ठीक है, एडिंग रेनफोर्समेंट, ताकि हमारे जो क्रैक्स हैं उन क्रैक्स को हम क्या कर सके, रिपेयर कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास एक एलिमेंट है, या फिर बोल दीजिए हमारे बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का कंपोनेंट है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रैक प्रोड्यूस हो गया, ये क्या है, क्रैक प्रोड्यूस हो गया। तो क्रैक जो प्रोड्यूस हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए हमने क्या करना है, रेनफोर्स जो मटेरियल है, रेनफोर्स है, उसका यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से, ठीक है, रेनफोर्स का हम क्या कर लेंगे, यूज करेंगे, रेनफोर्स जो भी हमारा मटीरियल रहेगा उस मटीरियल का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है, रेनफोर्स हमारा जो भी मटीरियल है, कंपोनेंट है। ये तो मान लीजिए आपका आ गया क्रैक, ठीक है, क्रैक आ गया, यहाँ पे हमने क्या किया है, रेनफोर्समेंट इन होल्स, होल्स के अंदर क्या हमने यूज कर दी है, रेनफोर्समेंट हमने यूज की है, जिसकी वजह से हमने होल को क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर सकते हैं, होल्स को क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग। तो किस तरह से कर रहे हैं, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग, कि हमारा जो ये मटेरियल है, मटेरियल या फिर बोल सकते हैं बिल्डिंग का कोई एलिमेंट है, बिल्डिंग का क्या है, कंपोनेंट है,
जिस कंपोनेंट के अंदर हमने क्या करना है, ये क्रैक्स है, इन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हमने क्या करना है, एडिंग रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट को ऐड करना है और ग्रूटिंग का यूज करना है ताकि हमारे क्रैक्स की हम रिपेयर कर सके। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, द क्रैक्ड रेनफोर्स एलिमेंट कैन बी सक्सेसफुली रिपेयर यूजिंग इपोक्सी इंजेक्शन एंड रेनफोर्सिंग बार्स। यानी कि जो हमारे क्रैक्स आ चुके हैं, जो हमारे क्रैक्स आ चुके हैं बिल्डिंग के एलिमेंट्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर, उनको हम सक्सेसफुली रिपेयर कर सकते हैं। किसकी सहायता से, वो हम रिपेयर कर सकते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन और रेनफोर्स बार्स। ठीक है, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्रैक्स आ चुके हैं हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स के अंदर, उनको सक्सेसफुली रिपेयर कर सकते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन और रेनफोर्स जो बार्स होती है उनकी सहायता से। ठीक है, दिस टेक्निक सीलिंग क्रैक ड्रिलिंग द होल्स, और इस टेक्निक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्रैक्स हैं उनकी सीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे क्रैक्स इस तरह से हैं उन क्रैक्स की हम क्या कर सकते हैं, सीलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, इसके अंदर जो हमारा लास्ट है वो है स्टिचिंग। ठीक है, बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, इसके बारे में पता लगा एडिंग रेनफोर्स एंड ग्रूटिंग की। जैसे ये क्रैक्स हैं, इन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हम क्या इनका यूज करते हैं, रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। तो इस तरह के जो वो टिपिकल क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए, सक्सेसफुली रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन और रेनफोर्समेंट जो वायर्स वार होती हैं उन वार्स का हम यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्टिचिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं स्टिचिंग। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। ठीक है, स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। तो देखिए स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स यानी कि जो हमारे क्रैक्स है, लास्ट जो हमारा मेथड बचेगा वो मेथड है स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक एलिमेंट है हमारा स्ट्रक्चर का, या फिर बोल दीजिए बिल्डिंग का, तो इसके अंदर क्या है, क्रैक्स आ चुके हैं। इसके अंदर मान लीजिए ये क्या है, क्रैक आ चुके हैं। तो इन क्रैक्स को हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको स्टिच कर सकते हैं आपस में, एक इस तरफ से है दूसरा है, बीच में क्रैक है, उन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको स्टिच करने की कोशिश करेंगे। स्टिच जैसे हम कपड़ा होता है, जैसे हम सिलते हैं, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी अगर क्रैक आ चुके हैं तो उन क्रैक्स को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, स्टिचिंग करने की कोशिश करेंगे। तो स्टिच ऑफ क्रैक्स के अंदर यही रहेगा, यानी कि जो भी क्रैक्स प्रोड्यूस हो चुके हैं उन क्रैक्स को हम क्या करेंगे, स्टिच करने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखो दिस इन्वॉल्व ड्रिलिंग होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रैक, यानी कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं, होल्स प्रोड्यूस करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो कई बार क्या होता है, दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करेंगे, उनको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड पे मान लीजिए आपका एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में क्रैक आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, स्टिचिंग की सहायता से इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो हमारा कहलाएगा स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। वो क्या होगा, स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। ठीक है, ये हम स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये एक बार देख लीजिए हमारा टॉपिक यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, कौन सा क्रैक रिपेयर मेथड्स, या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिपेयर मटेरियल्स, या फिर टेक्निक्स कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं क्रैक को, जो भी हमारे क्रैक्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने पांच हमारे पास टेक्निक्स होंगी, इपॉक्सी इंजेक्शन, ग्रूबिंग एंड सीलिंग या फिर रोटिंग, सेकेंड हमारा रहेगा, थर्ड हमारा है फ्लेक्सीबल सीलिंग बाय सीलेंट, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड रूटिंग, और लास्ट पे हमने बात की है स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स के बारे में कि किस तरह से हम स्टिचिंग करते हैं हमारे क्रैक्स की।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो हमारे कंक्रीट के सरफेस होते हैं उनके ऊपर जो डिफेक्ट्स आ गए उन डिफेक्ट्स को हम किस तरह से रिपेयर करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे क्रैक्स के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे सरफेस डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट कि जो हमारे कंक्रीट है, कंक्रीट के ऊपर जो सरफेस है उन सरफेस को हम किस तरह से रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के अंदर हमने बात की है क्रैक रिपेयर मेथड्स के बारे में कि जो भी हमारे क्रैक रिपेयर के मेथड्स हैं, पांच हमारे मेथड है क्रैक रिपेयर के, इपॉक्सी इंजेक्शन, ग्रूविंग एंड सीलिंग, फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट, एडिंग रिइंफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग, और लास्ट पे हमारा कौन सा था, स्टिचिंग बाय क्रैक्स, जस्ट स्टिचिंग द क्रैक्स, कि क्रैक्स को स्टिच करना। अब हम करते हैं शुरू अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक हमारी क्या है, रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर जो डिफेक्ट्स आ गए हैं उन डिफेक्ट्स की हम किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स टॉपिक हमारा क्या रहेगा, रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स, रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स, रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स। तो सरफेस डिफेक्ट्स के अंदर जो हम बात करेंगे तो तीन चार हमारे मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम रिपेयर कर सकते हैं सरफेस डिफेक्ट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे बग होल्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारा मेथड है जहां पर बोल सकते हैं वो है बग होल्स। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है बग होल्स। इसके अलावा हम इसके अंदर बात करेंगे फॉर्म टाइप होल्स के बारे में। सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम फॉर्म टाइप होल्स, फॉर्म टाइप होल्स। और जो हमारा थर्ड नंबर पे रहेगा वो हमारा रहेगा हनी कॉम, हनी कॉम। ठीक है, हनी कॉम एंड लार्जर, हनी कॉम एंड लार्जर वॉइड्स। ठीक है, लार्जर वॉइड्स। तो ये हमारे तीन मेथड्स हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं क्रैक जो रिपेयर कर सकते हैं हमारे सरफेस डिफेक्ट्स की। इन तीनों डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे बग होल्स के बारे में, फॉर्म्स ऑफ टाई होल्स के बारे में और हनी कॉम्ब लार्ज वॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे जो भी हमारे रिपेयर ऑफ क्रोजन है इन आरसीसी एलिमेंट्स की, जो हमारे आरसीसी के एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स पे जो क्रोजन आ जाती है उस क्रोजन की हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।